मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 28 जनवरी 2022, प्यार के सागर की ज्ञान अमृत वर्षा। मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। प्रश्न: 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? उत्तर: एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। आज का गीत: न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। दुख तो यहाँ ही है, बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को ये समझाया गया है कि कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता, उनकी पुरी में दुख नहीं होता। दुख होता ही है कंसपुरी में, कृष्णपुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी। हम अभी दैवी गुण धारण करने वाले बने हैं, अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो कल्प कल्पांतर नहीं मिलेगा, बड़ा घाटा है। वह घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना, सत्युग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म कराने वाला रावण वहाँ होता नहीं। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म के लिए, उनको फल पाना है। या तो चलना है श्रीमत पर, या तो चलना है आसुरी मत पर। बुरा काम किया गोया आसुरी मत पर चला, झट मालूम पड़ जाता है। बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना, ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया असुरों से प्यार है। यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला है, कहते हो ईश्वर बाबा, प्रतिज्ञा करते हैं हम एक तुम से ही मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से रखी, फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं ना, इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई परी विकारी को साथ ले आई। वह सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। ज्ञान पूरा न होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं, तो जो बीके उनको ले आते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं। वह तो श्रापित है ही, ये ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है, ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है। तो यहाँ बहुत समझकर किसको ले आना चाहिए, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वह भी दिन आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो सामने आ ना सके। अभी ऐसे करें तो मुश्किल हो जाए, मंजिल बहुत ऊंची है। इतने जो भी आश्रम व सत्संग हैं, कहां भी एम ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी जानते नहीं कि इनसे हमको लाभ क्या होगा। यहां तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है, मनुष्य से देवता बनना है। सिख लोग गाते हैं, मनुष्य से देवता किए,
देवता होते हैं सतयुग में, तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा। भगवान क्या बनाते हैं? भगवान और भगवती। परंतु हम देवी देवता कहते हैं, क्योंकि भगवान एक है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, लक्ष्मी नारायण भी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। दैवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में जरूर आते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं, मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूँ। ये पूरे 84 जन्म लेते हैं अपनी डायनेस्टी सहित। पतितों को पावन बनाने वाला वह है। कृष्ण कैसे पतितों को पावन बनाएगा? कृष्ण उस नाम रूप से एक ही बार आएगा। उनका वह चित्र फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। यही लक्ष्मी नारायण जो अब जगत अम्बा, जगत पिता हैं, इनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में ये बनेंगे। फीचर्स जो अभी हैं वे बदल जाएंगे। तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे, तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो। ये वंडर है, और किसको साक्षात्कार नहीं होता। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो, परंतु वह फोटो यहाँ तो निकल ना सके। ये फोटो तो यहाँ ही बनाए हैं। तुम जानते हो भविष्य में ये बनेंगे। गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वह 5000 वर्ष बाद होगा। ये बातें तुम ही जानते हो। ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए और अव्यभिचारी योग चाहिए। कोई के नाम रूप से प्रीत लगानी तो व्यभिचारी हो गए। शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है। शिव को ही पूजते हैं। अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए। बाप कहते हैं, ऐसा न हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए। कहा भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ। माया ऐसी है जो कब कहां धक्का खिलाएगी। कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फट से योग लग जाए, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने हैं। ये बहुत बड़े ते बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। इसलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में करो। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है। रात में पारलौकिक साजन को याद करो। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण है उनको गीता का भगवान कह दिया और श्रेष्ठ बनाने वाले को गुम कर दिया है। कृष्ण के गुण और परमपिता परमात्मा के गुण वर्णन जरूर करने चाहिए तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। ये है संगम युग। इनको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता है। सत्युग को व कलयुग को ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे। ऑस्पिशियस उनको कहा जाता है जो कल्याणकारी है। सत्युग तो है ही कल्याणकारी। उनके आगे अकल्याणकारी युग था। तो महिमा सारी संगम युग की है, जबकि श्री बाबा का अवतरण होता है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कल्प पूरा होता है फिर नया शुरू होता है। पुराने कल्प में कलयुग और नए कल्प में सतयुग। ये है कल्प का संगम युग। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। अच्छा, सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम, तो चार संगम हो गए। तो अवतार भी चार चाहिए। फिर 24 अवतार क्यों कहते हैं? ये सब बातें धारण करने की हैं। बाबा ने बड़ा सहज रीति से लिखवाया है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परमपिता कहते हैं तो जरूर दो बाप हैं। प्रदर्शनी में सब समझाते बहुत हैं, परंतु इतना कोई समझते नहीं है। एक को भी निश्चय नहीं होता। भल आएंगे, मुरली सुनेंगे,
परंतु वह हमारा बाबा है, उनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, यह बात बुद्धि में नहीं बैठती है। हजारों आए परंतु एक को भी निश्चय नहीं है कि वह हमारा पिता है, उनकी मत पर चलना है। पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, परंतु निश्चय नहीं। माया बड़ी प्रबल है, इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कहते हैं सतयुग का निंदक ठौर न पाए, अगर बदचलन होगी तो ठौर नहीं पाएंगे। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, वह है उतरती कला। गाते हैं गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है, परंतु गुरु कौन सा? सतगुरु। तुम सतगुरु को जानते हो, वह है शिव बाबा। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है, 16 कला बन जाते हैं, फिर 16 कला से उतरना है। मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता नहीं। चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला, सतो प्रधान से सतो रजो तमो, फिर तमो से सतो, ये चक्र लगाना है। इस चक्र में हरेक को आना है। तुम पूरे चक्र में आते हो, वे थोड़े चक्र में आते हैं। सतो रजो तमो तो होना ही है। बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सतो, जवान को रजो, बूढ़े को तमो कहेंगे। हर एक के सुख दुख का पाठ नूंधा हुआ है। यह नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको कोई भी जानते नहीं। रॉयल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती है। यहाँ तो श्रीमत पर चलना है, सभी एक रस तो चल ना सके। बाबा समझाते हैं दास दासी बने, फिर थर्ड क्लास राजा रानी बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। दान पुण्य कर साहूकार बन जाएं, दास दासी का नाम तो ना पड़े। भल वह दास दासी बन राजाई में जाते हैं, परंतु उनसे वे सुखी जास्ती हैं। वह नाम दास दासी नहीं पड़ता, प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे। यहाँ रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते। यहाँ रहकर कोई कुकर्म करते हैं तो दासी के भी दासी बन पड़ते हैं। कोई तो अच्छी दासी होती है, कोई रिस्पेक्टलेस होती है। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए, इसलिए बाबा लिखते हैं बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो। कई हैं जो अपने को मियां मिट्ठू समझ बैठ जाते हैं, फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिले। बाबा का काम है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है। जो चाहे पुरुषार्थ कर लो, विजय माला में पिरो कर दिखाओ। 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, 16108 की भी माला है। वॉइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, पीछे बहुत हो जाते हैं। यहाँ भारत के सबसे जास्ती होंगे। कितने गांव हैं, कितने राजा रानी, फिर उन्होंने कितने प्रिंस प्रिंसेस, कितने ढेर हैं, बड़ी लिस्ट निकालते हैं। महाराजा राजा फिर उनके कुटुंब वाले डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं। वहाँ तो एक एक बच्चा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। फिर भी बाप कहते हैं बेहद के बाप को याद करो, जिससे वर्षा पाना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। ये है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को न जानने के कारण स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठे हैं। जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है और ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। तुम जानते हो देवताएं कभी अकाले नहीं मरते हैं, जब टाइम पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है। अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, बहुत समझने की बातें हैं। बस एक बाबा को ही याद करना है और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। बाबा को तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है,
इसमें तो श्री बाबा की पधरामणि है, इनसे रीस नहीं करनी है। माया तूफान बहुत लाती है, हनुमान मिसल पक्का बनना है, जो माया रावण हिला न सके। आदि देव को महावीर हनुमान भी कहते हैं, नाम रख दिए हैं, बच्चों में कोई महारथी भी हैं। बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है, जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती है वे जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक हैं। अच्छा भगवान बच्चों फिरते हैं, हमारे बाप दादा का याद कर रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, चलन बहुत रॉयल रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। स्पष्टीकरण, विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकें। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है, तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं, तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। स्लोगन, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो, तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन है। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। ओम शांति। दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा।
सतगुरु।